सो फाइनली दोस्तों मुंजिया मूवी रिलीज हो चुकी है। मुंजिया मूवी देख के आ रहा हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दोस्तों आपको बता दूं, पैसा वसूल मूवी भाई, क्या बना दिया दिनेश वजान ने। मैडोक फिल्म्स के अंदर ये फिल्म बनी है दोस्तों। एंड एक बार फिर से दोस्तों स्त्री टू से कनेक्शन होगा इसका, स्त्री यूनिवर्स, भेड़िया यूनिवर्स, रूही यूनिवर्स। जी दोस्तों, वरुण धवन, जानवी कपूर, श्रद्धा कपूर और एक बार हमारा छोटू मोटू मुंजिया फिर से एक बड़ा यूनिवर्स देखने को मिल सकता है दोस्तों। दिनेश वजान फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर से दोस्तों। यशराज की स्पाई यूनिवर्स, उसके अलावा रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स एंड हॉरर यूनिवर्स की बात करूं तो भाई साहब तैयार हो जाओ, दिनेश वजान अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लो, क्योंकि अब दोस्तों आपको एक से एक बढ़कर हॉरर कॉमेडी दिखने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों मुंजिया मूवी का रिव्यू करूंगा, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए, कितने स्टार दूंगा दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो को अंत तक देखना। लाइक कमेंट करना, अपने भाई अभी थोड़ा प्यार देना और चैनल पर नए हो तो भाई साहब घंटा जरूर दबा देना। आइए शुरू करते हैं। सुबह दोस्तों जहां मैं गया थिएटर में, मॉर्निंग में गया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लगभग 40-50% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग में ही। एंड क्योंकि दोस्तों इसमें मोना सिंह है, अभय वर्मा है जो बिट्टू का किरदार निभा रखा है। ये फिल्म के अंदर कोई बड़ा स्टार तो नहीं है, लेकिन इस फिल्म की कहानी ही एक ऐसा मात्र जरिया है जिसके द्वारा ये फिल्म 100 करोड़ इजिली कमा लेगी। इस फिल्म की कहानी दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन लोक कथा पर आधारित है, महाराष्ट्र कल्चर पर आधारित है। खासतौर से महाराष्ट्र के लोग इसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये कहानी वहीं से उठाई गई है। देखो यार, सबसे पहले बता दूं मुंजिया का मतलब क्या होता है। मुंजिया का मतलब होता है ब्रह्म दैत्य। जब कोई बच्चा जो है, एज पर महाराष्ट्र लोकगीत कथा उनके अनुसार, जब कोई बच्चा जो है अपने जन्म के 10-11 दिन में ही मर जाता है तो वो ब्रह्म दैत्य बन जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और यही वो कहानी है मुंजिया की, जो एक ब्रह्म दैत्य ब्रह्म राक्षस होता है। देखो यार, सबसे पहले बता दूं इस फिल्म को बनाया है आदित्य सरपोतदार ने, जो डायरेक्टर होते हैं। दिनेश वजान इसके प्रोड्यूसर है एंड मैडोक फिल्म्स इसका प्रोडक्शन हाउस है। वेल दोस्तों, इस फिल्म की सबसे पहले बता दूं कि स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है, होल्ड करने वाली है, सस्पेंस है एंड नोबडी जल्दी से सीट से उठेगा भी नहीं। मतलब मैं देख रहा था, मेरे बगल वाला बंदा ना उठ ही नहीं पा रहा था, मैं खुद बैठा रह गया, यार क्या सस्पेंस है। मतलब स्टोरी जो है काफ़ी ग्रिपिंग है भाई, मतलब पहली बार स्टोरी ऐसा लग रहा कि कुछ नया देखने को मिल रहा है, कॉपी पेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा म्यूजिक की बात करूँ, अरिजीत का सॉन्ग है दोस्तों एक तैनू खबर नहीं, वो काफ़ी अच्छा है। 2-3 सॉन्ग्स लाजवाब सॉन्ग है 2-3, और लास्ट का क्लाइमेक्स का जो सॉन्ग है ना, वो थोड़ा सा यार आइटम सॉन्ग थोड़ा सा दिमाग खाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्कैरी। हॉरर कॉमेडी फन एंटरटेनमेंट सब कुछ है, वो सारे एलिमेंट मौजूद है। जगह जहाँ पे आप अगर 250 रुपये भी दे रखे हो इस मूवी को देखने के लिए, तो आपको 250 रुपये भी पैसा वसूल है। मतलब पैसा बर्बाद करने वाली मूवी है ही नहीं, फुल टू फुल एंटरटेनमेंट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ इसका मूवी का जो VFX है भाई, VFX बेहद ही कमाल है, ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है एंड जितना है उतना लाजवाब है, डिसअपॉइंटेड नहीं करता है VFX। एंड एक बार फिर से दोस्तों CGI की बात करूँ तो जो क्रिएचर बनाया इन्होंने मुंजिया, वो CGI काफ़ी लाजवाब है, ठीक है। इसके अलावा कई कई जगहों पे क्लाइमेक्स के सीन्स ऐसे VFX यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको लगेगा यानी कि फेक VFX है, जैसे कि अदर पिक्चरों में लगता है। देखो यार, बेसिकली दोस्तों इसके अंदर पात्र बताऊँ तो सरवरी वाघ है, जो ऑफकोर्स काफ़ी बेहद और ब्यूटीफुल लग रही है। इसके अलावा दोस्तों अभय वर्मा जो बिट्टू का किरदार है, और मुंजिया ऑफकोर्स मुंजिया एक क्रिएचर एंड साथ साथ मोना सिंह जो आई थिंक उसकी मदर का रोल प्ले किया हुआ है, अभय वर्मा का है बिट्टू का, ठीक है। तो अभी स्टोरी दोस्तों है क्या, ओवरऑल दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी कमाल है। हाँ, थोड़ा बहुत इसके अंदर डर भी लगता है, थोड़ा इमोशंस भी है, थोड़ा सा रोना धोना भी है, सब कुछ सारे एलिमेंट मौजूद है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ तो और भी अच्छा, और सेकंड हाफ तो उससे भी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं भाई, थिएटर में फुल टू फुल एंजॉय किया मैंने, और फटाफट आया और इसका रिव्यू दे रहा हूं। देखो यार, स्टोरी जो है ना ब्रह्म दैत्य और ब्रह्म राक्षस की है, जो बेसिकली अपने जन्म के 10 और 11 दिन बाद मर जाता है। उसका एक सपना होता है कि दोस्तों बचपन में उसको ना अपनी एक क्या बोलते हैं एक गर्लफ्रेंड होती है उसकी, एक लड़की से प्यार हो जाता है उसको, जो कि उससे 7 साल बड़ी होती है। मतलब मुंजिया को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो उससे 7 साल बड़ी है, एंड उसको पाने के लिए वो ब्लैक मैजिक करता है, तांत्रिक के अंड फंड चीज़ें अपनाता है, लेकिन कुछ एक्सीडेंटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाता है, और उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दोस्तों वो अपने इनहेरिटेंस, मतलब आगे जो उसकी लेगेसी खानदान आगे उसका जो जन्म लेता है उसको वो पकड़ता है। मतलब अभय वर्मा उसका खानदान का क्या बोलते हैं पुश्तैनी बंदा होता है, आगे चल के जो जन्म लेता है तो अपने खानदान को पकड़ता है कि भैया ये अभय वर्मा है, मेरे खानदान से है।
मेरी आने वाली पीढ़ी है अपनी पीढ़ी को पकड़ता है और बोलता है भैया मेरी ख्वाहिश है भाई, मैंने जिससे शादी करनी तो नहीं कर पाया, अब मुझे मुन्नी से शादी करनी है। अपनी मुन्नी मुंजिया जो है मुन्नी को ढूंढने चला जाता है। अब भाई साहब यहाँ पे वो सॉन्ग भी चलता है मुन्नी बदनाम हुई, मतलब वो भी काफ़ी लाजवाब है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों मुंजिया क्या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसकी पीढ़ी को पकड़ लेता है। वो विक्रम बेताल वाला हाल हो जाता है जो उसकी पीठ पर बैठा होता है और भाई उसको ऑर्डर देता है भाई मुझे इससे ये कर वो कर, और मुंजिया जो है अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए तमाम कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों लिटरली मुझे कहीं सपना पूरा हो पाता है नहीं हो पाता, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी होगी। लेकिन ये मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं दे सकता, बट ऑफ कोर्स स्टोरी काफ़ी लाजवाब है। क्या मुंजिया मुन्नी को पा पाता है, क्योंकि मुन्नी ही उसके प्यार होती है, और मुंजिया जो है दोस्तों ब्रह्मदेव उसका खात्मा कैसे होता है, उसका जन्म कैसे होता है, क्या क्या एलिमेंट्स उसके पीछे मौजूद है, दोस्तों इसके लिए तो आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी। ओवरऑल मैं आपको यही बताऊँगा कि ये फिल्म के अंदर ऑफ कोर्स आगे चल के एक सस्पेंस पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो वो आपको मूवी देखने को बाद पता चलेगा। एंड डेफिनेटली भाई सरप्राइज ये भी है कि स्त्री 2 आ रही है, भेड़िया 2 आ रही है, और उससे पहले जब स्त्री मूवी जो आई नहीं थी तो उसका प्रीक्वल होगा। और भेड़िया से कनेक्टिविटी करते करते दिनेश विजान जो है आगे जो मूवी आ रही है स्त्री 2, भेड़िया 2, उसके अलावा मुंजिया 2 जो कि अब कन्फर्म है मुंजिया 2 आनी है दोस्तों, जो कि फिल्म को देखने पर पता चलता है, ये एक मिलकर एक यूनिवर्स बनने वाला है। और इसमें सारे क्रिएचर लाइक स्त्री के अंदर जो वो विच होती है श्रद्धा कपूर, इसके अलावा ये मुंजिया हो गया, भेड़िया हो गया, ये मिलकर दोस्तों अब कौन से विलन को खात्मा करेंगे, कौन से विलन उसके यूनिवर्स में होगा, अभी दिनेश विजयन ने डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों बॉलीवुड मूवी के अंदर एक माहौल है यूनिवर्स का, अब फाइनली एक हॉरर यूनिवर्स भी क्रिएट हो चुकी है टाइम लाइन में। वायरफ की स्पाई यूनिवर्स तो थी, कॉप यूनिवर्स भी बन चुकी है, तो दोस्तों हमारे पास अब फिल्में जो है यूनिवर्स में चला करेगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। अभय वर्मा का इसमें एक्टिंग अच्छा लगा, उनकी बिट्टू कैरेक्टर में मोना सिंह लाजवाब लगी, वाग सरवरी। एंड दोस्तों तेंदू खबर ने अरिजीत को भी छल गया, 123 मिनट की ये फिल्म है। ओवरऑल 5 में से मैं 4 स्टार दूंगा, 1 स्टार इसलिए काटूंगा क्योंकि दोस्तों कई कई जगहों पे म्यूजिक काफ़ी लाउड हो रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं। बट ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी कमाल की लगी, डायरेक्शन से स्क्रीन प्ले लाजवाब लगा। एंड सबसे बड़ी बात यह कि आपको जो जिस हिसाब से आदित्य सरपोदार ने जो काम किया, जो डायरेक्शन किया है, वो बेहद ही लाजवाब देखने को मिलता है, किसी प्रकार की चूक नहीं लगी दोस्तों डायरेक्शंस के अंदर। तो दोस्तों ये थे रिव्यू मेरी तरफ से। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के पब्लिक रिएक्शंस मैं शाम को लाता रहूंगा आपके बीच में। एंड दोस्तों कैसा लगा ये रिव्यू, दोस्तों आपको यही कहूंगा यू शुड वॉच दिस फिल्म बिकॉज इट्स अ फ्रेश कॉन्टेंट एंड महाराष्ट्र से ही मुझे लगता है कि 100 करोड़ कमा लेगी, क्योंकि कहानी महाराष्ट्र बेस है। तो दोस्तों जाओ देखो, वॉच करो, एडवांस बुकिंग करो, भाई फिल्म ने फाड़ के रख दिया है। एंड सीटियाँ तालियाँ एंड रोना धोना थिएटर में मस्ता ही रहा भाई, सच बता रहा हूँ। थिएटर में लोगों ने पीपल विल लव दिस मूवी एंड डेफिनेटली पीपल वॉच इट। एंड दोस्तों नेल्ड इट, अभय वर्मा नेल्ड इट। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स मुंजिया से आपको डरने लगेगा, मुंजिया से प्यार हो जाएगा, तो प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कॉमेंट तो भर भर करना आपने देखी मुंजिया कि नहीं देखी।